ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश मेहता, और हम उनसे बात कर रहे हैं गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स के बारे में। तो डॉक्टर मेहता, ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बताया किडनी स्टोन्स के क्या कारण होते हैं। यदि किसी को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें बात करते हैं डायग्नोसिस की, यदि लक्षण हैं या लक्षण नहीं भी हैं तो किस तरह से इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ। देखिए, किडनी स्टोन्स का डायग्नोसिस के लिए सबसे जो सरल हमारे पास उपाय है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो किडनी के बारे में, किडनी के स्टोन के बारे में, उसकी लोकेशन, साइज और उसके कारण अगर गुर्दे के अंदर कोई चेंजेस आए हैं तो उसके बारे में एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, सबसे जो चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जिसे हम बोलते हैं, वो है। एक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में वो आपको एक तरीके का एक वो ट्रैफिक हवलदार है जो आपको एक डायरेक्शन दे देता है कि अब आपको आगे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। एक बार अगर डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से हो जाता है कि किडनी में स्टोन्स हैं तो उसके उसके हिसाब से हम आगे का कोर्स डिसाइड करते हैं। अगर किडनी में कोई बड़ा स्टोन है तो हम लोग उसके बाद में इंट्रावेनस पायलोग्राफी, एक्सरेज जिसे बोलते हैं, एक्सरे आईवीपी होता है जी। जो एक सीरीज ऑफ एक्सरेज होते हैं, रंगीन एक्सरे भी उसको हम लोग एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, जिससे हमें गुर्दे के बारे में और जानकारी मिलती है कि उसके कारण गुर्दे में क्या चेंजेस और आए हैं या और क्या असर किया है उस पथरी ने और उस पथरी की लोकेशन क्या है एग्जैक्ट और उस पर ट्रीटमेंट हम क्या बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, वो सब जानकारी हमें या तो एक्सरे आईवीपी या हम उसमें दूसरा जो है सीटी स्कैन जैसे बोलते हैं, कंट्रास्ट सीटी स्कैन, वो भी कर सकते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है जिनमें पथरी की साइज जो है वो बड़ी होगी। हाँ, नॉर्मली अगर दो बातें होती हैं, या तो पथरी की साइज पे डिपेंड करता है या फिर हम ये भी देखते हैं कि हम इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ करने वाले हैं या नहीं। अगर हम उसमें सिर्फ एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कह रहे हैं कि सिर्फ आप पानी पीजिए, दवाई लीजिए कर लिए, तो उसमें फिर हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें हमें आगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी जो हमें आगे करनी हो उसके लिए, या फिर हमें उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटी चेंज करनी हो कि भाई इसमें ESWL लगेगा या कोई और ट्रीटमेंट लगेगा, तो वो ट्रीटमेंट डिसाइड करने, हाँ, मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हमें उसी हिसाब से टेस्ट कराना भी जरूरी हो जी, जाता है। जी जी जी, यानी बेसिक टेस्ट जो है वो तो एक अल्ट्रासाउंड, एक सोनोग्राफी जो हमारी रूटीन होती है जी, वो काफी होती है टू डिटेक्ट द किडनी स्टोन्स। जी, डिटेक्ट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अब यदि हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो जैसे कि आपने बताया कि लिथोट्रिप्सी जो कि एक एडवांस्ड प्रोसीजर लग रहा है, ये एक आपने बताया कि काफी सिंपल सा एक तरीका है और बहुत ही नॉन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसे सिर्फ एक लेजर की रेज पास ऑन की जाती है, और जहां तक मुझे समझ में आया इसमें कोई टाका लगना या कोई चीरा लगने जैसा कोई सिचुएशंस नहीं होती है। इसके अलावा इलाज के और क्या क्या तरीके हैं? गुर्दे की पथरी यदि किसी को हो तो उसे किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है? क्या मेडिकेशन से, सिर्फ दवाइयां लेने से भी इससे मुक्ति मिल सकती है? देखिए, मेडिकेशंस हम लोग कई बार इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जी। जैसे आपको बताया कि छोटे स्टोन्स हों या कई बार ऐसे स्टोन्स जो कि नीचे नली के अंदर फंसे हुए हैं बट साइज छोटी है और उसके कारण गुर्दे में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही हो, ऐसे में हम लोग उनको एक बार मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, ये डिसीजन लेना होता है कि अब कब राइट टाइम है ट्रीटमेंट में कि हम उसको एक ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाए। एक तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये बहुत हो गया है, अब हम इसमें और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं और अब इसमें हम ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए, तब हमको ये देखना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो सबसे बढ़िया बात हम किडनी स्टोन्स या जो दूसरे स्टोन्स हमें पाए जाते हैं यूरेटर में या ब्लैडर में, कि ये सारे आज के ज़माने में हम लोग बिना किसी टाँके के, बिना किसी मेजर जिसे हम कहते हैं कि कोई
काम करने की बजाय हम उसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कहना बड़ा सिंपल है लेकिन होता इट इज़ अ ऑपरेशन, और लेकिन पेशेंट के लिए ये सिंपल इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको कोई बड़ा सा स्कार नहीं होता है, बिल्कुल बड़ा बड़े टाक खूब सारे टाँके नहीं लगते हैं, दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एंडोस्कोपिक जिसे हमें बोलते हैं, यानी कि दूरबीन की पद्धति से ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। और उसमें जो मेजर एडवांसमेंट अभी आया है वो लेज़र का आया है। पहले दूरबीन हम एक दूरबीन से करते थे, वो एक नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन अब वो लेज़र आने की वजह से हम उसमें भी काफ़ी रिफाइनमेंट हो गया है, जिसमें कि पेशेंट को अब सिर्फ एक दिन रुकना पड़ता है और नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज हो जाता है विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ये विदाउट एनी। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एडवांसमेंट जी इन मेडिकल जी वर्ल्ड बहुत की बहुत बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, जी पेशेंट के लिए भी बहुत सिंपल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं, मतलब इसके लिए जो हम सर्जरी के लिए सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है या कोई एक जो डर होता बिल्कुल एक है, माइंडसेट जो होता जी है बहुत वो इस तरह का होता है ऑपरेशन को और जी सर्जरी को हाँ लेकर जी कि एक चीरा लगेगा और फिर गा उसको टांके लगेंगे उसको क्योर होने में आपका टाइम उठना लगेगा। बैठना जी हर चीज़ आपकी अफेक्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी समस्या का जो निदान है वो बिना ऑपरेशन के हो सके तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी और इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं जी होती जी पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस के उनके परिवार के लिए। जी 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 तो ट्रीटमेंट में जैसे कि आपने बताया कि कन्वेंशनल सर्जरी तो है ही बल्कि उसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी एडवांस जी टेक्निक्स जी जी हैं। डॉक्टर रितेश मेहता आजकल के टाइम में एडवांस टेक्निक हर जगह आप करवाएं इतना ट्रस्ट भी आपको जनरली हॉस्पिटल्स पे जी नहीं होता है। जी तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी खास सुविधाएँ हैं जिससे कि मरीज़ को वहाँ जाना उसके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का डिज़ाइन जो है, जैसे हम बोलते हैं, वो एक एक डे केयर डिज़ाइन है, डे केयर टाइप का हॉस्पिटल है। जी यानी कि वहाँ जो सर्जरीज हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पेशेंट को जितना जल्दी यहाँ से हम लोग उनको भेज सकें, भेज सकते तो हैं वो जो एक कॉन्सेप्ट है डे केयर सर्जरीज का, वो वो अपने अपोलो आप में ही स्पेक्ट्रा बहुत स्पेशल वो है। एक अपने आप में एक बहुत स्पेशलिटी है उसकी, कि हम वहाँ पर यही हमारे दिमाग में रहता है कि पेशेंट को ये कंफर्ट दें हम कि आप पहली बात हमारे पास आ रहे हैं, तो हम आप ये सोच के नहीं आए कि एक बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है, कि माइंडसेट आपका एक माइंडसेट आप जब हमारे पास आते हैं तो ये रहता है कि नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी एन सिंपल थिंग, कोई हाँ मतलब बहुत बड़ी जैसे कि चीज़ नहीं आप होनी चाहिए। अगर हाँ नॉर्मल उसमें बोलूँ तो जैसे आपकी आई साइट वीक है और आप एक आई चेकअप के लिए जाते हाँ हैं राइट, लगभग उसी तरह क्योंकि क्या का। होता है कि एक सर्जरी नाम ही एक इतनी बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी पेशेंट जब आता है तो एक बहुत बड़ा फियर रहता है। बिल्कुल तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पेशेंट को वो फियर न हो हमारे पास आते हुए, और हम उसको एक ऐसी चीज़ डिलीवर कर सकें जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, और पेशेंट बहुत ही कंफर्ट वे में हमारे से जब भी यहाँ से डिस्चार्ज हो तब जी एक इस तरह से हो कि उसको कोई बहुत ज़्यादा कुछ मेजर उसके साथ कोई नहीं हुआ है, बिल्कुल वो वहाँ से निकलने के बाद में अपने एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जल्दी आराम से से जल्दी आप जो है हाँ रिकवरी कर मतलब सके। रिकवरी तो आपकी आपकी बॉडी पे डिपेंड करती है लेकिन फिर भी काफी हद तक आप जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ राइट पे राइट लौट राइट पाएं। ये खास चीज़ है ये अपोलो खास स्पेक्ट्रा इम्पोर्टेंट। हॉस्पिटल जी में। जी तो दर्शकों आपने जाना कि किस तरह से अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में क्या ऐसी खास चीज़ें हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स तो हैं ही इसके अलावा जो खास चीज़ है वो है इनका डे केयर फैसिलिटी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है कि आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो आप ये उम्मीद कीजिए कि एक दिन के अंदर आपको लेटेस्ट चीज़ों द्वारा ठीक किया जाएगा और आपको एक ही दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि वापस आपको आपकी नॉर्मल लाइफ लौटाई जा सके। डॉक्टर मेहता अब कुछ जनरल सवाल मैं आपसे कुछ जी चीज़ें जानना चाहूँगी जैसे कि किडनी स्टोन्स आपने कहा राजस्थान में बहुत ज़्यादा कॉमन है तो क्या इसमें कहीं मेल्स और फीमेल्स के बीच में इंसिडेंस में कोई अंतर है यानी पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है या महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है ऐसा कुछ। देखिए, जैसे अगर हम मैं इसको पूरी तरीके से एलाबरेट करूं, नॉर्मली किडनी स्टोन्स और ये जो यूरेटर या ब्लैडर के अंदर स्टोन्स जो पाए जाते हैं वो सेकेंड डिकेड यानी 20 साल की उम्र के बाद में होते हैं, ये जी एक नॉर्मल हमारी धारणा है। यानी ऐसा नहीं बच्चों में है, ये नहीं पाया हाँ जाता ऐसा नहीं, हाँ बच्चों में नॉर्मली नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है।
लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर ये स्टोन पाया जाता है तो उसके लिए वजह कुछ थोड़ी हमें जाननी ज़रूरी होती है कि भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे में कोई ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है। मेटाबॉलिक यानी कि हम ये कह सकें इसको सिंपल भाषा में कि जन्म से ही कोई कोई ऐसी इस तरह की खास खास, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन हाँ कुछ इस तरह का हो, एग्जैक्टली शरीर की संरचना ही इस तरह की हो एग्जैक्टली कि किडनी में स्टोन गुर्दे की पथरी जी आसानी से बन जी गई हो। जी क्योंकि नॉर्मली ये क्योंकि आज अगर किसी में स्टोन पाया जाता है तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज किसी को 20 mm का या 15 mm का स्टोन हो गया तो वो एक दिन में 10 दिन में हो गया है या महीने भर में हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रोसेस होता है कि छोटा से सैंड पार्टिकल की तरह वो होता है बिल्कुल और उस पर लेयर धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन से जाती होके है, और वो बिल्कुल बड़ा स्टोन बनता है। तो ये सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे में नहीं पाया जाता। और बच्चों में इतनी क्षमता होती है कि एक नॉर्मल बच्चा है तो वो अगर पानी कम भी पिएगा या ज़्यादा भी पिएगा तो वो उन चीज़ों को संभाल लेता है। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रेगुलेटरी हाँ मैकेनिज्म अच्छा काम करता है जी बच्चों में। जी लेकिन अगर किसी बच्चे में जैसे आपने बताया कि जन्म से ही अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उनमें फिर पाया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि पहले 20 साल के अंदर अगर बच्चे के अंदर किसी में पाया जा रहा है तो फिर उसका जो चेकअप है वो इलाबरेट हो जाता है, वर्कअप ज़्यादा हो जाता है। जी और 20 साल की उम्र के बाद में पुरुष और महिलाओं में पाया जाना ऐसा कोई वो नहीं यानी है, महिलाओं में भी ज्यादा है या उतना पुरुषों में ज्यादा है ऐसा ऐसा कुछ भी कोई नहीं है। इसका फर्क नहीं होता, दोनों में उतना ही पाया जाता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका खान पान क्या कुछ है, हद हाँ तक लाइफस्टाइल पे। आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि जी आप कैसे कैसे रहते हैं, आप पानी कम पीते हैं, आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो बिल्कुल वो फिर इंसिडेंस होगा। और करीब करीब हमने ये पाया गया है कि 5 से 10% जो पॉपुलेशन के अंदर ये किडनी स्टोन्स पाए जा रहे हैं। ये हम जो रिसेंट हमारी लिटरेचर यही कहता जी है कि जी 5 to 10% ऑफ पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम किडनी किडनी स्टोन्स। स्टोन्स। तो यहाँ जी मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल का जो है वो खास रोल रहता है, बहुत जैसे कि बड़ा आपने बहुत कहा कि बड़ा नॉनवेज ज़्यादा खाने वालों में इस तरह का मैं होता पाया है। तो जाता। खान पान से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी कौन सा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स ज़्यादा होते हैं? देखिए ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से कोई किडनी स्टोन्स का डायरेक्टली संबंध है, जी लेकिन अगर पेशेंट्स में अगर कोई इनहेरेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण स्टोन्स बनने के मतलब यह जैसे डायबिटीज़ है या तो ये क्या है कि इम्यूनिटीज़ और बॉडी में इस तरह से होती है कि भाई इनमें आगे बढ़ सकता है, चांसेस हैं। हालांकि डायरेक्ट कोई कोई कोरिलेशन नहीं है इनका। जी और मेन जो चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें आप अगर पानी कम पिया है या नॉन वेज आइटम्स हैं जैसे कि उनमें ऑक्जलेट्स ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम ऑक्जलेट जो कि सबसे बड़ा कारण है स्टोन फॉर्मेशन का, जी वो अगर इस तरह के अगर आप खाने के अंदर ज़्यादा चीज़ लेंगे है जी ना, जैसे नॉन वेज आइटम्स हुए, फिश हुआ, मीट हुआ, तो और अगर फिश में भी जैसे प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं जी तो इनके जो जो स्टोन्स बनते हैं वो भी स्टोन्स एक प्रकार के नहीं होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड स्टोन्स, तो मैग्नीशियम स्टोन्स, तो ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आप क्या चीज़ ज़्यादा खाते हैं और आपके बॉडी में मेटाबॉलिकली वो कितना उस क्या चीज़ चीज़ को, डाइजेस्ट और एक्सेप्ट कर हाँ सकती है बॉडी, एग्जैक्टली यहाँ एग्जैक्टली इसका भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है। तो पड़ता मुझे लगता है कि एक्सरसाइज का रोल भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। देख कंजम्पशन ज़्यादा हो लेकिन यदि फिजिकल एक्टिविटी भी उसके प्रोपोर्शन में हो तो क्या ये कहीं फर्क देखिए रहा मैंने है? आपको जैसे ये बात बताया कि हम लाइफस्टाइल जो डिजीज़ेस हैं जैसे हम जी बोलते हैं डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और हालांकि किडनी स्टोन्स को हम ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ में नहीं डाल नहीं सकते हैं, डाल सकते, बिल्कुल लेकिन लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप एक अच्छी लाइफ मतलब आप एक अच्छी तरीके बहुत से कर हेल्दी रहे हैं, तरीके से अगर हेल्दी आप तरीके नहीं से कर रह रहे रहे हैं, हैं, आप बिल्कुल प्रॉपर पानी पी रहे सीडेंटरी हैं, लाइफस्टाइल अगर हम हाँ कहें कि अगर अभी आप आपकी हाँ सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप वर्किंग हैं, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं,
तो नेचुरली ये सब चीजें जो हैं आपके बॉडी में ओवरऑल आपकी हेल्थ ओवरऑल पे आपकी इफेक्ट हेल्थ करती पे है, आपको जो है एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती तो है, कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्ट। हम है मैं बस वो आप डायरेक्टली तो कोई फर्क रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन आप कह सकते बाकी हैं काफी जरूर कुछ है। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो किस एग्जैक्टली तरह से एग्जैक्टली उसका बिल्कुल जो मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल वो किस तरीके किस का तरह है। से जी जी, तो प्रिवेंशंस में अगर हम आपसे जानना चाहें, जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर क्योर, तो हाँ मेरे ख्याल में ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे प्रिवेंशंस किए जा सकते हैं जिससे कि गुर्दे की पथरी के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। देखिए इसको मैं दो भागों में बांटना चाहूँगा। एक तो वो जो को पहली टाइम डिटेक्ट हुआ है स्टोन, जी तो जिन लोगों को पहली बार पता पड़ा है कि स्टोन हमारे को हुआ है, जी तो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इस चीज़ का खान पीन का, जैसे मैं पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे का, ज़्यादा पानी ज़रूरी है पानी कि खूब पानी आप पिए ज़्यादा पिए। जिससे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो और वो स्टोन्स छोटे छोटे स्टोन्स निकल जाएं, बिल्कुल और बाकी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट का, आपको ध्यान रखना होगा डाइट में, जैसे कि अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको नॉन वेजिटेरियंस को अवॉइड जो चीज़ें हैं। मतलब मॉडरेटली आप खाएं, हाँ बहुत ज़्यादा देखिए कोई जब नॉनवेज भी हम नहीं किसी चीज़ खाएं। के लिए बोलते हैं तो उसका कभी भी पूरा ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ हाँ दें, लेकिन आप ये रखें बैलेंस कि आपको उसको एक बैलेंस रखना पड़ेगा जरूरी होता है। जी, जिसमें आप फिश को है या मीट है उन सबको आप अवॉइड करें। जो नॉर्मल वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप बीज वाली सब्जियां हैं, जैसे कि पालक है बीज वाली है, जैसे कि बीन्स जो अपनी फलियां हाँ आती हाँ हैं, जैसे कि आपको भिंडी टमाटर में होती होता है, है, भिंडी में टमाटर, होता है, बिल्कुल इसमें थोड़े से कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हम लोग जब होते हैं कई बार कहते हैं कि भाई इन चीज़ों से हो जाता है, लेकिन जैसे आपके होता है फ्रेश टमाटो जूस है तो वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश टमाटो जूस आप आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल अगर जैसे आप कोई टमाटो वैसे फ्राई करके या आप उसके साथ सब्जी के साथ दे रहे हैं, तो उसमें हम अभी कह सकते हैं कि आप जो है सीड्स उसके निकाल लें, सीड्स, मतलब और बीज को अगर ना ही खाएं, खासकर वो लोग जिन्हें एक बार जिनको बन चुका है, प्रॉब्लम हाँ पथरी जिनको की हो डिटेक्ट हो चुकी चुकी है, है, बिल्कुल तो उन उन्हें वो लोग उस अवॉइड चीज़ को करना अवॉइड चाहिए। करें। जी कॉफ़ी और चाय, चाय, ये भी अगर आप जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे दिन में अगर 15-20 बार ले रहे हैं, तो उनको कट थोड़ा सा डाउन दे करना हैव टू बी पड़ेगा, लिटिल वॉचफुल अबाउट दिस। लिटिल वॉचफुल, उनको उसको कट डाउन करना है, जी उसको कम लेना है। और बाकी फिर वही है, अगेन कम टू हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल, और हेल्दी लाइफस्टाइल यानी गोइंग बैक टू नेचर, अपने आप हाँ को बिल्कुल प्रकृति से जोड़े बिल्कुल रखें, ये तो बिल्कुल खैर बिल्कुल हर ही समस्या का, होने वाली समस्या को भी काफ़ी हद जी तक ये जी चीज़ जी कंट्रोल कर जी सकती जी है। जी तो डॉक्टर रितेश मेहता, यूँ तो हम आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमें बताई, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा भी मिला है आज के एपिसोड से। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला है और आपने हमें जो यहाँ जानकारी दी है वो जानकारियाँ वाकई बहुत ही ज़रूरी हैं हम सबके लिए, क्योंकि कहते हैं कि जागरूकता यदि हर इंसान में हो तो शायद बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं हमारे हमारे आसपास के लोगों की जिनसे हमारा बचाव हो सकता है। तो बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका, और मैं धन्यवाद। अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गुर्दे हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक बहुत ही अभिन्न अंग हैं हमारी लाइफ के, और जैसा हमने अभी पूरा अपने एपिसोड में डिस्कस किया है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह एक उस चीज़ का बचाव के लिए हम लोग उसके प्रति बहुत जागरूक रहें, और जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसको बेटर ये है कि उसको डॉक्टर से मिलने को अवॉइड करने की बिल्कुल बजाय उनके साथ एक फॉलोअप करें, एक अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल होती रहे, तो आप एक बड़े प्रॉब्लम से, जो कि अगर मान लो कई बार हम ऐसा भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्टोन की वजह से दोनों गुर्दे ख़राब हो गए हैं, पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ सकता है, पेशेंट के लिए गुर्दे का जो प्रत्यारोपण रिनल ट्रांसप्लांट जैसे हम बोलते हैं वो स्थिति तक आ सकती है, बिल्कुल, तो ये इतनी बड़ी जो स्थिति जो वो ना पेशेंट तक ही आ रहे हैं आए, बेहतर उसके है कि लिए आप बेहतर उससे ये है कि पहले ये उसको अब छोटे छोटे से स्टेप्स आप जी ले लें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू मेहता। थैंक यू। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आपके फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्ते।